तो वही सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम इसको अब सॉल्व करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, आउटपुट के रेस्पेक्ट में। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं इन द रेस्पेक्ट ऑफ आउटपुट, ठीक है जी। तो पहली चीज जो आपको ध्यान से निकालनी है वो क्या है, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट कितनी निकल जाएगी। ये निकल जाएगी, आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो इसका फॉर्मूला क्या था, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। तो बजट ओवरहेड कितने हैं आपके, 10,000, और आउटपुट्स कितने हैं, 2,000। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका ₹5 पर यूनिट, ठीक है जी। ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया ₹5 पर यूनिट के हिसाब से। अब हमें जो बात चीजें निकालनी है, पहली पहली चीज हमारी क्या है, पहली चीज है हमारी फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। क्या निकालना है हमें, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस के लिए फॉर्मूला हमने क्या बोला, हमने बोला एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस वॉट माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो एक्चुअल आउटपुट कितने हैं, एक्चुअल आउटपुट कितने हैं, 2500। तो 2500 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितनी है, 5, माइनस एक्चुअल ओवरहेड वो कितने हैं, 12,000। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो कितना आ रहा है, 2500 × 5, मतलब ये आ गया आपका कितना, 12,500 − 12,000, तो कितना आ रहा है, ये आपका आ गया 500 फेवरेबल, ठीक है जी, क्लियर। फिर अगर हम बात करें किसके रेस्पेक्ट में, हम बात करें अगर आपके फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, तो इसका तो फॉर्मूला ही क्या है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो बजटेड कितने हैं आपके, 10,000, एक्चुअल में कितने हुए हैं, 12,000, तो कितना आ गया ये, 2,000 एडवर्स, ठीक है जी। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका, फिक्स ओवरहेड ये वॉल्यूम वेरियंस, ठीक है, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस बजटेड ओवरहेड। तो एक्चुअल आउटपुट कितने हैं, 2500, स्टैंडर्ड रेट कितनी है, 5, और बजटेड ओवरहेड कितने हैं आपके, 10,000। तो कितना आ जाएगा ये, 12,500 माइनस 10,000, तो इट विल गिव यू व्हाट, ये आपको दे रहा है कितना, ₹2,500 फेवरेबल, ठीक है जी, 2500 क्या आ गया आपका, ये फेवरेबल आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की, और वो क्या है, वो है फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। देखिए स्टैंडर्ड आउटपुट क्या बोलता है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट, तो स्टैंडर्ड आउटपुट तो आपको निकालना पड़ेगा ना। स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब कैसे निकलेगा, ये शायद आपने पहले कभी नहीं निकाला है, ये हम पहली बार निकाल रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे निकलेगा वो चीज समझ लीजिए आप, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि भाई 1250 घंटों में हम कितनी यूनिट्स बना लेते हैं, 2000। तो हम अब ये देखना चाहेंगे कि 1200 घंटे जो एक्चुअल में यूज हुए हैं उनसे कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए, ठीक है जी। आप क्या बोल रहे हो, अगर 1250 में हम 2000 यूनिट्स बना लेते हैं तो 1200 घंटों में कितनी यूनिट्स बना लोगे। यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है स्टैंडर्ड आउटपुट। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है स्टैंडर्ड आउटपुट, हमें यहाँ पे निकालना है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट आपका यहाँ पे निकलेगा कैसे, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा आपका, मैं ये लिखवा देता हूं आपको, बजटेड आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स, ठीक है। तो देखिए बजटेड आउटपुट कितने हैं आपके, आपके बजटेड आउटपुट हैं 2000, आवर्स कितने हैं 1250 और इनटू 1200, तो कितना आगे यूनिट्स आ जाएंगी, ये 2000 डिवाइडेड बाय 1250 इनटू 1200 कितना आ गया, 1920। देखिए
आप फॉर्मूलेज याद करते करते कितने फॉर्मूलेज ऐसे याद करोगे आप, तो ये बेटर यही है ना कि हम कंसेप्ट समझ लें। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट की हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, भली मटेरियल के हों, लेबर के हों, वेरिएबल के हों, या फिर फिक्स ओवरहेड के आर्ट्स वाले हों क्वेश्चन, वो तो उन सब में हमने क्या निकाला है, हमने कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड इनपुट ही निकाला एक तरीके से। ठीक है, पहले केस में आपने निकाला स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वहां पे मैंने आपको इसका मतलब लिखाया था बजटेड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है जी, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे हम बोल रहे हैं बजटेड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट, मतलब एक्चुअल इनपुट जो लगा है उसके हिसाब से आपके बजटेड आउटपुट कितने होने चाहिए थे। तो आप इसको बोल रहे हो कि देखो 1250 घंटे में मैं कितने यूनिट बना लेता हूं, 2000, तो एक्चुअल मैंने कितने यूज करें, 1200 घंटे, तो 1200 घंटों में कितनी यूनिट बन जानी चाहिए मेरे बजट के हिसाब से। ठीक है, और अगर आपको ऐसे भी नहीं तो नॉर्मल देख लीजिए आप, 2000 यूनिट्स बनती हैं कितने घंटे में, 1250 में, तो एक यूनिट को बनने में कितना समय लगता होगा, 1.6, तो 1200 घंटे में कितनी यूनिट्स बन जाएंगी, मल्टीप्लाई कर दें आप, आपका आंसर आ जाएगा 1920 से। ठीक है जी, तो यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या है, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस का, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल आउटपुट कितने हैं आपके, आपके जो एक्चुअल आउटपुट है वो है 1200, स्टैंडर्ड कितने हैं 1920, तो 1200 माइनस 1920 एंड इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो 1200 माइनस 1920 इंटू स्टैंडर्ड रेट, सो 1200 माइनस 1920 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है, एक मत कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक्चुअल आउटपुट कितने हैं हमारे, सॉरी मैंने गलत ले लिया, यहाँ पे हमारे जो एक्चुअल आउटपुट है वो तो 2500 है, मैंने टाइम ले लिया। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट कितने हैं हमारे, 2500 आउटपुट्स, तो ये है ना, ये हैं हमारे आउटपुट्स, तो एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट, सॉरी एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट, तो एक्चुअल कितने हैं 2500 और स्टैंडर्ड कितने हैं 1920, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 2500 माइनस 1920 इंटू 5, तो कितना आ गया जी, ये आपका आ गया 2900 फेवरेबल। फिर हम बात करें फिक्स ओवरहेड योर कैपेसिटी वेरियंस की, तो फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस का फॉर्मूला क्या है, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड कितने निकाले हैं आपने, 1920, बजटेड कितने हैं आपके 2000, स्टैंडर्ड रेट कितनी है वो 5, तो 1920 माइनस 2000 इंटू 5, ये आ गया कितना आपका 400 एडवर्स। ठीक है, अगेन इसमें कंसेप्ट वही सेम रहेगा, आप देख लीजिए फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस को का टोटल कैसे आ रहा होगा इन दोनों को ऐड करके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे अगर आप, तो कितना आ रहा है 500 आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में है, और अगर इसका बात करें तो इन दोनों का टोटल जो है वो इससे मैच कर रहा होगा। अब मैं आपको कंपेयर करा दूं ये उस क्वेश्चन को, अभी हमने उसके थ्रू भी किया था, किसके थ्रू किया था, अभी हमने आर्ट्स के रिस्पेक्ट में, तो देखिए आप आर्ट्स में आपके फॉर्मुलेस आंसर्स क्या आ रहे थे, 500 फेवरेबल, 2000 एडवर्स, 2500 फेवरेबल, 2900 फेवरेबल, 4000 एडवर्स, 400 एडवर्स, और यहाँ पे भी आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को आर से करें या आउटपुट से करें, आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। बस हाँ, आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या याद रखना है, आपको ये फॉर्मूलेस, ठीक है जी, ये फॉर्मूलेस आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन में यार आपके एग्जाम में ये जो चीज़ आपने निकाली है, ये जो चीज़ आपने निकाली है इसको वो क्या बोलता है, इसको वो यहाँ पे वर्ड यूज़ करा है उसने, एब्जॉर्ब, क्या वर्ड यूज़ करा है इसने इसको यहाँ पे, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब होता है रिकवर्ड भी होता है इसका, तो एब्जॉर्ब ओवरहेड। ठीक है जी, तो एब्जॉर्ब ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब भी मैं स्टार मार्क कर दूँ, इसका मतलब क्या है आपका, एब्जॉर्ब ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। ठीक है, फिर अगर आप आगे बढ़े तो
तो देखिए यहां पे आपने कर रखा है स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। अगर मैं चाहूं तो ब्रैकेट ओपन हो सकता है क्या? हाँ, ब्रैकेट पूरा ओपन हो जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन होने पे क्या होगा, स्टैंडर्ड आर इनटू स्टैंडर्ड रेट, क्या हो जाएगा वो, स्टैंडर्ड आर इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, और एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। समझ में आ रही है ये, स्टैंडर्ड आर इनटू स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आर इनटू एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो जो स्टैंडर्ड आर इनटू स्टैंडर्ड रेट करेंगे अगर आप, तो एस एच इंटू एस आर, एस एच इंटू एच आर, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको तोड़ूं तो कैसे बनेगा ये बनेगा आपका एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू एस आर, यही बनेगा, हाँ है ना। इसको आपने क्या नाम दिया है, इसको आपने नाम दे दिया एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। और ये जो चीज है आपकी ए एच इंटू एस आर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ओवरहेड। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड ओवरहेड। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड ओवरहेड, ठीक है जी। यहां पे अगर आप बात करें तो आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, एक्चुअल आर इंटू, मैं इसको भी अगर तोड़ूं तो कैसे हो जाएगा ये, एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस बजटेड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये जो है आपका एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, इसको तो क्या बोलेंगे आप, स्टैंडर्ड ओवरहेड ही बोलेंगे। और ये जो चीज है आपकी बजटेड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये क्या निकलेगा आपका, ये आपका निकलेगा बजटेड ओवरहेड निकलेगा। तो बजट ओवरहेड तो आपको पहले से ही पता है, कोई दिक्कत नहीं, और इसको कोई इशू नहीं है जानने की आपको, ठीक है जी। इधर आके अगर हम बात करें, किधर आके, अगर हम इधर नीचे देखें आउटपुट के रेस्पेक्ट में, तो आउटपुट के रेस्पेक्ट में भी AO into SR, क्या जी चीज, AO into SR, इसको हम क्या बोल रहे हैं, AO into SR, इसको हम यहां पे बोल रहे हैं आपका एब्जॉर्ब ओवरहेड। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एब्जॉर्ब ओवरहेड। सिमिलरली यहां पे भी इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्ब ओवरहेड, ठीक है। यहां पे अगर आप देखें तो उसको तोड़ें तो क्या होगा, AO इंटू एस आर माइनस SO इंटू एस आर, ठीक है। तो AO इंटू एस आर तो क्या हो गया आपका, एब्जॉर्ब ओवरहेड हो गया। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो ये क्या हो गए आपके, ये आपके हो गए फिर से स्टैंडर्ड ओवरहेड। इसको भी अगर आप तोड़ेंगे तो SO इंटू एस आर बनेगा, SO इंटू एस आर माइनस BO इंटू एस आर, ठीक है जी। तो SO इंटू एस आर तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ओवरहेड, और BO इंटू एस आर क्या हो जाएगा आपका, बजटेड ओवरहेड। क्लियर है ये, तो ये अच्छे से आपको क्या रखना है, ध्यान रखने, ये फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए